फाइनली हाथी देखने जा रहे हैं उस तरफ, थोड़ा सा हाथी भी देख लेते हैं। बज रहे हैं 9:30 और धीरे धीरे सूरज सिर पे है, धूप आ जाएगी। अभी तो खैर ठंडी हवा है, इतना गर्मी नहीं लग रही, लेकिन धीरे धीरे जब हम इवनिंग सफारी करेंगे वो बहुत हार्श होती है, तब कुछ करना पड़ेगा, तब ये जैकेट वैकेट उतार के आना पड़ेगा। पहुँच गए वाइल्ड एलिफेंट के पास, 3-4 तो उधर हैं, 2-3 उधर हैं, लेकिन हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। राइट से ले लेना भैया, चाहे ले लूँ, कभी ये भी ना दिखे। देखो 2-3 इधर हैं, झाड़ियाँ आ गई हैं, निकाला है इतनी दूर। ये देखो भाई गुस्सा करके, गुस्सा कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बस 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 बस, भागने की पहले सोचो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या साइटिंग हो रही है भाई ग्रुप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और छोटा सा बच्चा वहाँ पर है, छोटा सा ही, नन्ना सा, क्यूट सा। और देखो मदर, देखो, वाह क्या साइटिंग है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बहुत गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वाह सुपर 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 सुपर। रुको रुको रुको, मत भगाओ मत भगाओ मत भगाओ मत भगाओ, नहीं बस 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 बस, ये है ना सर दस्कर, भाई दस्कर। देखो किस तरह, तो भाई देखो अभी कुछ कर रहे हैं, मतलब कि देखो चारों इकट्ठे हो गए हैं और बच्चा वहाँ है पीछे की तरफ, वो थोड़ा घास में है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। और देखो चारों मिलके सब एक दूसरे से कुछ बोल रहे हैं, कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। वो देखो बच्चा भागा, देखो बच्चा भागा, बच्चा भागा, अभी बच्चा भागा और पहुँचा। हाँ चिल्लाना मत, चलो शांति से देखो। वाह क्या ब्यूटीफुल सीन है। ठीक है फाइनली शो इज ओवर, वापस जंगल में चले गए। वाह वाह वाह, ये देखो भाई गुस्सा करके, गुस्सा कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बस 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 बस, ये देखो भाई गुस्सा करके, क्या साइटिंग। शांत हो जाएगा, इसको पता चलता है इतना, किससे खतरा किससे नहीं। बहुत गुस्से में हो वो, मुझे पता है वो जिप्सियों की वजह से पैनिक है, वो देखो अब खुद ही चले जाएगा, रिलैक्स है वो, रिलैक्स है ये, वो थोड़ा सा डराते हैं। राजा जी में तो इतनी पास आ जाते हैं राजा जी में। ये देखो भाई गुस्सा करके, गुस्सा कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। बस 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 भैया, बस आप संभल के रहना, कभी ये कन्नू भैया स्पीड बढ़ा दे और तुम उधर गिर जाओ। वो ज्यादा ना बोलने से भी पैनिक करते हैं। अभी शांत रहो, चुप रहो, जो करना है चुप बैठो। हाँ चुप, वो टाइगर आ गया। अब चल सकते हो, चलो कन्नू भैया, चलो आराम से। बस 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 बस, बोलूंगा चलने को तब। टाइगर आ गया, टाइगर की मूवमेंट, टाइगर उनको दिख नहीं रहा अंदर घास में, वो जा रहे हैं, जाएंगे इधर से ही बैक करके जाएंगे। ठीक है भाई हाथी इस तरफ थे, उधर भी काफी जीप रुक गई हैं, उधर भी टाइगर दिख रहा है, है कुछ इधर। चलो चलो भाई, वो देखो टाइगर इस तरफ आ चुका है, टाइगर भाई टाइगर बीच, बीच हाथी की तरफ चला जाएगा, चला जाता बच्चों, उसको डर नहीं लगता, बहुत स्पीड में आ रहा जल्दी, पर यहाँ पे खड़े होने में फायदा नहीं है। अच्छा वो गाड़ियाँ तभी आ रही है इस तरफ, वो पहली पोजीशन ले रही है भाई, उस तरफ से सारी गाड़ियाँ अभी इधर आ रही हैं, उस तरफ से वो टाइगर इधर आ रहा है भाई। हाथी गुस्से में है और गाड़ी भी उस तरफ से आ रही है, क्या ये हाथी इनको कुछ नुकसान पहुँचाएगा। टाइगर इधर ही आएगा सर, टाइगर इधर ही आएगा, हाथी के पास रुक जाओ, थोड़ा सा आगे चलो भैया, मत रुको फिर। हाथी तो गुस्से में आ रहा है बार बार, देखो कैसे राउंड लगा रहे हैं और कितनी सारी गाड़ियां, मुझे लग रहा है कि कुछ हमला ना कर दे हाथी किसी गाड़ी पे। बस बस इधर दबा लो राइट में, इनको जगह मत दो। क्लियर, वही वाला इधर आएगा ना, इधर आ रहा, इधर आ रहा, ये रहा भाई। सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और ढंग से, टाइगर इस तरफ से कहीं कहीं से क्रॉस होगा क्योंकि वो टाइगर इधर आ रहा है वो। अरे अरे अरे, दिखा था दिखा था दिखा था, अब देखो यहाँ से दिखेगा टाइगर। तो सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं, कुछ तीन कार सोच रही है वहां से क्रॉस होगा, कुछ सोच रहे हैं वहां से क्रॉस होगा, कुछ वहां पे खड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी मूवमेंट बन रही है भाई, हाथी उस तरफ है, गुस्सा कर रहे हैं इधर कार वालों पे, तो चारों तरफ कार फैल चुकी है, वहां पे वहां पे वहां पे वहां पे यहां पे इस तरह से हाथी वहां पर है। अरे रुक जा, ये सामने पूरा टाइगर दिख रहा है, पूरा टाइगर क्लियर दिख रहा है, पूरा टाइगर ये रहा, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आ रहा है इस तरफ भी, आ रहा है धीरे धीरे, और सारी गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं सामने आती है वहां पे। इस कार को कैम टाइगर दिख चुका है, टाइगर उधर है वहां पे अंदर की तरफ,
थोड़ा सा उस तरफ चल रहे हैं भाई, टाइगर उस तरफ जा रहा है। गेम चालू हो चुका है ठिकाला में, हमारी तरफ ही आ रहा है, उधर उधर जा रहा, उधर वो रहा इस तरफ है, यहाँ पे अब निकलेगा टाइगर उस तरफ से। उन कैमरामैन ने तो पूरी पोजीशन ले लिया भाई, ऐसे क्रॉस होने वाला है अभी, बस मेरे सामने कोई खड़ा ना हो ना नहीं दिख पाएगा। नहीं, दूसरा है, वो तो खड़े हुए। क्या साइटिंग है, दिस इज ढिकाला लैंड, दिस इज ग्रास लैंड, दिस इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उधर भी दूसरा टाइगर है, वो लोग उधर खड़े हुए हैं, हम इस तरफ खड़े हुए हैं। किसी भी टाइम टाइगर बाहर आ सकता है। हाथी अपने बच्चों के साथ वहाँ पे खड़े हैं, वो भी चिंतित हैं। वो रहा हाथी, टाइगर तो इस तरफ है, इधर गई, बैठ गया शायद। अब रिएक्शन क्या होने वाला है, टाइगर हाथी के सामने जाएगा, बच्चों को बताएंगे, कितना शोर मचाएंगे, मेरे को नहीं पता, अभी कुछ भी हो सकता है। हाथी तो गुस्सा करेंगे, पैनिक हो जाएगा। किसी भी टाइम टाइगर क्रॉस करेगा रोड को। तो भाई हमारा पहला दिन है, मतलब पहला दिन कल था, दूसरा दिन है, कल हो रहे हैं हम यहाँ पे, देखो क्या होने वाला है। उसको दिख नहीं रहा ना एलिफेंट अभी, महसूस करता है ना। अच्छा, उसको भी खतरा है एलिफेंट से। एक भी उफ, मेरे को बोल रहा वीडियो मत बनाओ टोपी वाला। अब आप भी देखो इसको यूट्यूब पे। शाम का कितना है, पौने छः हाँ। शाम का पौने छः है, सुबह का साढ़े दस बजे। और अगर मान लो 10:31 पे पहुंचे, कितना फाइन लग जाता है? अरे सर वो कोई पता नहीं, 10:31 पे क्यों बोलना, 5,000 फाइन है और 6 महीने के लिए वो जेल है, पांचों जेल चले जाएंगे। आ गया टाइगर उस तरफ से क्रॉस होगा भाई, अभी सब अलर्ट हो गए, सब देखो। और हमें FRH में भी जाना है, 10:22 हो गए, सिर्फ 7-8 मिनट बची है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, अगर हम टाइम से नहीं पहुँचे तो फाइन लगेगा। चिड़िया देखो कितनी प्यारी बोल रही है, यहाँ से सब रेडी है, आ जा भाई, इधर भी है। मंकी ने टाइगर को देख लिया, मंकी की कॉल आ रही है यहाँ से। क्या सीन है भाई, क्या सीन है, अमेजिंग। सामने हाथी का बच्चा, सामने हाथी का बच्चा, टाइगर उधर, ये क्रॉस होगा, हाथी चिल्लाएंगे। टाइगर हियर, एलिफेंट हियर, एंड वी आर हियर। अभी नहीं आया, लेकिन बहुत कोने पे। अगर एक बार आ गया ना, हलचल मच जाएगी, हाथी चिल्ला देंगे। भाई टाइगर बस आने वाला है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन लग जाएगा। तो ये जीप तो चली गई, हाँ उनको भी जाने दो, अभी तो वो भी आएंगी ना, सब आ गए, टाइम हो गया, नहीं रुक दिया रास्ता टाइगर, अभी नहीं रोका। अरे 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 अरे, बिल्कुल टाइगर के पास ही पहुँच गए, उधर है, अंदर ही है। 10:24 हो रहे हैं भाई, टाइम नहीं है, उन पे फाइन पड़ जाएगा जो लेट आएंगे, अभी वो खड़े हैं वहीं पे। टाइगर मुंह पे है और देखो हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि गेट ना 1 मिनट भी लेट हो गया ना, फाइन दो बार देख लिया अभी, इधर भी देखे। अब ये बताओ, अब तुम्हें वापस जब आएंगे शाम को, एक्साइटमेंट है, दोबारा से यहीं पे आएंगे, इसलिए इसको ढिकाला बोलते हैं, ढिकाला इसलिए फेमस है, इसी के अंदर बैठे हुए, हाँ इसलिए इसको ढिकाला बोलते हैं। दो घंटे से बैठे थे, वो दूसरा शेर था, ये दूसरा है ना, हाँ। था। लोग यहीं बैठे रहेंगे, हाँ। टाइगर को ब्रेक कैसे मिलेगा, हाँ। टाइगर को भी तो आराम करना है। ये देखो कितनी तेज जा रही है गाड़ी, धूल उड़ाती है, क्योंकि सिर्फ 2-3 मिनट बचते हैं, गेट बंद हो जाएगा। 10:27 हो चुकी है, सिर्फ 3 मिनट बची है, 3 मिनट। N29 हो गए, बिल्कुल लास्ट में घुसेंगे भाई, बिल्कुल कहीं।
वेलकम 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 टू ढिकाना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आफ्टर मैनी ईयर द बेस्ट वाओ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं ये देखो शायद 30 गाड़ीज यहाँ पे आती हैं सुपर अब यहाँ पे एंजॉय करते हैं चिल करते हैं घूमते हैं फिरते हैं चेक इन करते हैं सबसे पहले रिसेप्शन पे जाएंगे उस तरफ कैंटीन है उस तरफ हाईलैंड है वुडी स्टैंड है पूरा व्यू आता है वाओ दिस इज और बंदर से सावधान बंदर अटैक करेंगे आ चुके हैं गुंडे और पीछे हाथी खड़ा है वहाँ पे हाथी है हाँ आप रखवाली के लिए बंदर की बंदर सामान अच्छा आप तो मैंने ठीक है सब आ चुके हैं देखो कितनी तेजी से तो ये बिल्कुल लास्ट में आए ये वहीं पे खड़े थे तुम्हें बस दिखा होगा थोड़ा सा कोने में तुम तो उधर हाँ क्रॉस करा लास्ट में मेरे ख्याल से जब हम निकल गए तभी उसने क्रॉस कर दिया ये देखो बंदर बिल्कुल रेडी है कोई भी सामान छोड़ेगा तुरंत चोरी कर लेंगे जहाँ पे हाथी खड़े थे हम तो आ गए थे तभी निकला वो तभी लास्ट में निकला और तुम आए हाँ हाँ अरे समझ गया अच्छा ये वाला क्रॉस कर गया तभी क्रॉस किया हाँ समझ गया मैं पर हाथी का भी बहुत अच्छी साइटिंग हुई बहुत हाँ हाँ मैं भी चेस कर रहा था मजा इसमें बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है दिखाऊंगा मैं जीप छोड़ के नहीं जाऊंगा डोंट वरी सामान रखा है यहाँ पे बहुत सारा उधर से कूद के आ रहे हैं बंदर और यहाँ पर भी एक एलिफेंट है वो देखो सामने हालांकि हम सेफ हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फेंसिंग है बहुत वाइल्ड एरिया है भाई बहुत वाइल्ड एरिया तो भैया आप इसको ढकोगे आज या नहीं ढकोगे जरूरत नहीं है चलो ठीक है हैं शाम को ना हाँ वो दिन में नहीं शाम को पूछ रहा हूँ मैं रात को कोई कोई नहीं ढकता ना ये तो 10:33 हो रहे हैं सारी गाड़ी आ चुकी हैं लगभग कितनी गाड़ी बंदर बैठ चुके हैं गाड़ी अच्छा कितनी गाड़ी रहती है यहाँ पे 30 रहती है ना डिपेंड भी करता है अलग अलग कितने लोग आ रहे हैं भाई इस बार तो बहुत ज़्यादा दिख रही है इतनी गाड़ी तो मैंने कभी देखी नहीं बिल्कुल लाइब्रेरी तक वहाँ तक कैंटीन तक पहुँचे हाँ गैरल की भी रुकी हुई है अभी वो वापस तो जाते नहीं है लंच में यही रहते हैं ये भी है हाँ नहीं कल तो तुमने चेक इन किया होगा ना ठीक है भाई मज़ा आ गया ये अभी स्टार्टिंग है ढिकाला की तो अभी देखते हैं आगे आगे होगा क्या आज शाम को सफारी करनी है फिर कल मॉर्निंग में करनी है फिर कल शाम को करनी है फिर परसों मॉर्निंग में करनी है फिर हम एग्जिट करेंगे ऐसा लग रहा है जैसे बस जाने का नंबर आ ही गया अभी तो हम आए हैं क्योंकि एक रात हम गैरल में रुके थे तो पता नहीं चल पाया वैसे 3 रात हमारा ढिकाला में ही होना चाहिए था नेक्स्ट टाइम 3 नाइट ढिकाला जल्दी आते हैं जून में ओए ले गया बिस्कुट ले गया पन्नी वो ले गया ओए वो ले गया ले गया ले गया बिस्कुट भाई ले गया पूरा बिस्कुट ले गया नमकीन ओए वापस कर वापस दे इधर दे अरे पूरी ब्रांड ले गया बैठ के खा रहा है मस्त वहाँ पे पूरी ब्रेड हाथ लग गई इनको यही चाहिए चोरी करने की आदत हो रखी है सारी कार में आ जाते हैं कुछ नहीं मिलेगा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ कूड़ा है उसमें कुछ नहीं है अरे अरे वो ले गया ब्रेड का पैकेट हाँ ब्रेड का पैकेट ले गया देखो उसके अंदर देखो पूरा झांक रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा सारे एक एक चेकिंग करते हैं भाई किसी को भी नहीं छोड़ते सबकी पहले तसल्ली से चेकिंग करेंगे जब पता चलेगा कुछ है नहीं अभी ये इस कार से इस कार में आएंगे फिर इस कार में जाएंगे अभी हमारी हमारा सामान सारा यहाँ पर रखा हुआ है हम तो जा नहीं सकते भाई सब कुछ ले जाएगा ये तो भाई मैंने तो लगेज निकाला था भैया वापस लेके कह रहे कि पहले चेक इन होता है वो रूम अलॉट करेगा उसके बाद ही तुम जीप से सामान निकाल सकते हो उससे पहले जीप से सामान नहीं निकाल सकते ये रूल है यहाँ पे मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं तो भाई ढिकाला जोन के बारे में पढ़ा देता हूँ ढिकाला टूरिस्ट जोन एक्चुअली बंदर बहुत है ना वहाँ पे इसलिए उठाना पड़ता है यहाँ पे कुछ चिपका हुआ था सब छूट गया है इसके बारे में लिखा हुआ है पढ़ लीजिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1288 स्क्वायर किलोमीटर का है और रिच इन फ्लोरा फौना फलाना ढिमकाना सब पढ़ लीजिए एंड दिस इज़ द आइकॉनिक बोर्ड ढिकाला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये लकड़ी पर गुदा हुआ है फील देता है पूरी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की लकड़ी वुड इज़ फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज वुड मज़ा आता है बहुत अच्छा और इसके बैक साइड में कैंटीन और रिसेप्शन वाओ यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है हालांकि इन्होंने गेट बंद नहीं किया हालांकि कोई जिप्सी वैसे बाहर नहीं है अभी बंदर उन्होंने काफ़ी सामान चुरा लिया ऑलरेडी देखो मैं इस बंदर को पकड़ता हूँ देखो 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 देखो
ओ भाई ओए 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 डर गए उसको डरा रहे हो, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो खुद नहीं डरा रहा उसको, उसका साइज देख के। वो देखो पहुंच गया सामान के पास, अरे तुम्हारा बैग रखा है वहां पे, डंडी लेनी पड़ेगी तभी जाएगा वो। क्या है? वो रहा। तो भाई बता रहे हैं एलिफेंट है वहां पे ग्रासलैंड में, चलो चलते हैं बैग लेके। कोई बात नहीं, ये वाला बैग मेरे पास है, बंदर नुकसान मेरा बैग ना, ध्यान रखना। ओरे तेरी यार, तुमने बैग और तोड़ोगे मेरा। हट हट, डर रहे हो यार बंदर से, वो कुछ कहता भी नहीं है, ऐसे थोड़ी कह देगा कुछ। हटो छोड़ो, 10:41 हो रहे हैं, ये बोल रहे 12 बजे चेक इन देंगे। अच्छा रूल है क्या 12 बजे का? ये जो आए ना अभी, हाँ हाँ हाँ, अब ये फ्रेश होंगे, सामान पैक करेंगे, रूम खाली करेंगे तो उसको 12 बजे। अच्छा उसके बाद ओके, चलो कोई बात नहीं, हम भी तो ऐसे करेंगे। मैंने सेटिंग कर लिया है। ये है कैंटीन का फ्रंट, चलो देखते हैं यहाँ से क्या भी। इनके बैग के पास पहुँच गए दो बंदर, पता नहीं किसका बैग रखा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं छोटे छोटे से। अब देखते हैं यहाँ से व्यू। ये है भाई जिसको देखने के लिए मैं बेकरार रहता हूँ कई कई साल तक, और काफ़ी हाथी आए हुए हैं उस तरफ, हिरन इस तरफ हिरन है। और भाई पानी ना इसका काफ़ी उस तरफ हो गया है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियों में मानसून में जब पार्क खुलता है ना नवंबर में तब तो यहाँ पे पूरे में पानी होता है, अब काफ़ी कम हो गया, काफ़ी उस तरफ खिसक गया है। और बहुत अच्छा ग्रासलैंड खुल के आ गया है, काफ़ी बार क्या होता है टाइगर की साइटिंग यहीं पर हो जाती है, हालांकि होगा एक आध टाइगर यहाँ पर ज़रूर देखेंगे तो ध्यान से। इस तरफ ये हिरन, हिरन का छोटा बच्चा, उस तरफ कालागढ़ डैम का पानी यहाँ तक रिजर्व है, और वहाँ पर हाथियों का ग्रुप है, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 हाथी हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं हाथी के साथ। उस तरफ वहाँ पे सामने देख सकते हैं, उस तरफ चौकी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे कुछ पानी रिजर्व भी है छोटा सा ना, तो विदेशी पक्षी आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं कुछ वहाँ पे बैठे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे लगे जी तो धीरे धीरे बंदरिया पास में आ रही है मेरे, हालाँकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो इसलिए ये पता नहीं मुझसे डरेगी भी या नहीं डरेगी, हालाँकि मुझसे पहले ये डरे। उनका थैला खोल लिया भाई, कोई कुछ कर नहीं सकता, पता नहीं किसका थैला है, वो डरेगा ही नहीं, मैंने तो डरा ही नहीं सकते इन बंदरों को तुम। वो देखो गुस्सा कर रही है कि तू क्यों आ रहा बैग के पास, मैं ही खाऊंगी इस बैग को। वो देखो निकाल लिया वो निकाल रही है, वो डर नहीं कुछ कह ही नहीं रहे। वो देखो हमला कर दिया वो देखो, वो पकड़ लिया पैर, मैंने मेरे पास भी आ गया था ऐसे ही, वो हमला कर दिया, कह रहे बैग मत ले जाना बिल्कुल भी, बैग भी नहीं उठाने दे रहे बंदर इनको। एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, ये टूट गया, अरे ये टूट गया क्या? मेरा आईफोन का चार्ज कैसे होगा भी है? मेरे पास चार्जिंग तो है, मतलब अब वैसे पावर बैंक से चार्ज नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली। हाँ ये कन्वर्टेड नहीं है ना USB 2, अब ये टूट गया। तुम्हारे पास भी यानी कि? तो भाई अब मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, अब मुझे ना फ़ोन बिल्कुल रूम से ही चार्ज करके ले जाना पड़ेगा 100%, और जैसे ही हम टूर करके आए वापस आके चार्जिंग पर लगा दूँ, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। लीड टूट गई है, ये देखो कैसे मुड़ गया है, ये मुझे 2 लानी थी, जेब में रखी थी मुड़ गया, फक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, अब मैं फ्रीली रिकॉर्डिंग कैसे कर पाऊँगा। यहाँ पर एक बात तो ठीक है कि कम से कम आइडिया के सिग्नल आ रहे हैं। तो ये कैंटीन है यहाँ की, और भाई ब्रेकफास्ट 8 से 10 तक, लंच 1 से 3 तक, और डिनर 7 से 9 तक। डिनर का टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा है, गैरल की तरह नहीं है, टॉर्चर नहीं होता कि 8:30 खोल रहे हैं, ये 7 बजे खोल देते हैं, बहुत अच्छा। ब्रेकफास्ट 380, लंच 450, डिनर 450, गैरल में 350 का, यहाँ 450 का है, मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग टैक्सी होगा। तो अभी अभी लंच चुका है बस, ऑलरेडी समाप्त हो गया, अब धीरे धीरे फिर लंच लग जाएगा, फिर लंच खाएंगे। देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, सब भर गया। तो कैंटीन में भाई जी मिले हैं विपुल जैन, ये भी फोटोग्राफर हैं और दिल्ली से हैं, तो ये भी मेरे वीडियो देखते हैं और इन्होंने पहचाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलो मैं प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम भी करना, आपका है वैसे क्या इंस्टाग्राम है आपका, आप बता दो। विपुल_जैन 2006, चलो भाई सर्च करना, भाई जी को फॉलो भी करना, इनके पास कितना अच्छा कैमरा है और काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो मिलेंगे, है ना? ठीक है ओके। 11:08 हो रहे हैं और अभी हमें वो नहीं मिल रही है,
चेक इन नहीं मिल रहा है, 12 बजे मिलेगा, उसके बाद चेक इन करते हैं। बाकी यहाँ पे जो सबसे पुराने महावत है वो अपनी हथनी को डायरेक्ट कर रहे हैं कि जा तू पानी पीने चली जा नदी पे, और वो जा रही है। ये यहाँ पे कैंप ऑफिस है डायरेक्टर CTR का, काफ़ी शांत है, काफ़ी अच्छा है, कभी कभी रूम इसमें मिल जाते हैं लोगों को। भाई जो यहाँ की पालतू हथनी है वो बार बार अंदर आना चाह रही है, तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी पानी पीने नहीं जा रही, कह रहे अभी अंदर नहीं आना, शाम को आना है। जंगल से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, कॉल आ रही है, एक हाथ इधर खड़ा है एक उधर, वो जा ही नहीं रही उधर, कह रही अंदर आऊँगी। इसके जो मालिक है, जो यहाँ के महावत हैं, बहुत पुराने हैं ये, तो ये उसके बोल रहे हैं चलो उधर। बहुत क्यूट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो अभी इसने घास उखाड़ी, उसको पटक रही है बहुत तेज़ ज़मीन पे, बिल्कुल साफ़ करके खाएगी, गंदगी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको फिर से भेज रहे हैं वापस। जा ही नहीं रही। ये देखो घास उखाड़ी किस तरह से पटक रही है, ताकि उसकी सारी मिट्टी, वाह बहुत अच्छा, पैर में मार मार के साफ़ कर रही है। देखो उसको पता है ज़मीन पर साफ़ नहीं होगी, पैर में मार रही है, बहुत बढ़िया। और अब इसको खाएगी, क्या सुंदर नज़ारा है, वाह। इन सब चीज़ों को और जीने के लिए तो मैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए और जीने के लिए तो मैं दिखा लाता हूँ। ये कहाँ मिलता है यार, इतना सुकून। खाएगी अब, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। देखो हॉर्नबिल हैं बहुत सारे या क्या है, या कोई बड़ा जानवर है। खा ले, अब क्या महसूस कर रही है, इतनी मेहनत से उसको साफ़ किया है, अब बिल्कुल साफ़ कर दिया। देखो इसने बिल्कुल मिट्टी हटा दी, अब इसने खाया ही नहीं, क्या मन में आ रहा है, उखाड़ के धूल मिट्टी हटा के वहीं छोड़ के आगे चल रही। अब देखो दूसरे को उखाड़ रही है, या तो ये पहले सबको एक एक करके उखाड़ेगी, साफ़ करेगी और फिर खाएगी, या तो ये मन में है इसके। ये देखो अब ये भी इसके पास ही आ रही है उधर से, खा गई। चलो भाई इनकी तो जुगलबंदी चलती रहेगी, थोड़ा सा उस तरफ घूमते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, कुछ गाड़ी थोड़ा सा लेट आई एक दो मिनट, और बहुत तेज़ी से आई स्पीड से, तो जो यहाँ पे दरोगा जी हैं वो क्लास ले रहे हैं उनकी, और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कौन कौन सी गाड़ी लेट आई है, तो इसलिए मीटिंग चल रही है, सब इकट्ठे हैं, सबको डांट पड़ रही है। हमारी गाड़ी तो खैर टाइम से आ गई थी। डोरमेट्री वाले भाई भी मिल गए, इन्होंने पहचान लिया, और बहुत साल हो गए, बैन हो गए भाई एक हफ्ते के लिए सब। तीन गाड़ियों को दरोगा साहब ने बैन कर दिया है एक हफ्ते के लिए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ आप 3 दिन का कर दो, एक हफ्ते का रहने दो, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाई ना उन्होंने, तो इसलिए बैन हो गए। तो भाई एक्चुअली इन्होंने टाइगर भी देखा फिर लास्ट में, तो टाइगर देखने का स्वाद है, ये टाइगर देखने का सजा है। अब तुम टाइम से निकलो ना, टाइगर बिल्कुल सामने खड़ा है, आने वाला है, और टाइम हो रहा है, गेट बंद होने वाले हैं, फिर तुम तेज़ चला रहे हो, तो उसका थोड़ा सा हो जाता है ना ऐसा, ऐसा है कि कुछ पूरा जंगल का एरिया है, हिरन भी आ सकता है, मर भी सकता है गाड़ी के आगे सामने, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी सजा है। और सब ड्राइवर को ये सीख है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। चलो भाई एक फैमिली आई है हरिद्वार से। अच्छा आयुष अग्रवाल जी, तो रुड़की बैंक में है ना, अच्छा HP में हो आप है, चलो HP तो हमें अच्छा लगता है, इंडियन अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो अभी निकल रहे हो आप हरिद्वार, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है मिलते हैं, ओके बाय बाय। तो दोनों हथनियाँ भाई अंदर आई गई, ज़बरदस्ती कह रही हमें अंदर आना ही आना है। इनके नाम क्या क्या है, इसका क्या है, अच्छा वो बताएंगे, वाह बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ढिकाला, ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ढिकारा कैंपस। इधर NXC भी है, हटमेंट भी है, और कैबिन भी है, हमें कोई ना कोई रूम मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। ये कैंटीन है, उधर लाइब्रेरी है, उधर डॉर्मेट्री है उस तरफ, और मेरे साथ साथ चल रहे हैं यहाँ के दो एलिफेंट, इनके नाम पूछने पड़ेंगे। इसका नाम क्या है, काफ़ी विशाल का है जी भाई, मेरा फेवरेट है, मुझे मतलब उससे भी अच्छा लगता है टाइगर से भी। इसका नाम क्या है इस वाली का, उसका लक्ष्मा, और इसका गोमती, अच्छा लक्ष्मी होगा ना, या लक्ष्मा, लक्ष्मा, इसका नाम लक्ष्मा है भाई, एक अलग ही नाम है भाई, लक्ष्मा, लक्स माँ, और इसका नाम है गोमती, बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है। थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, मेरे को थोड़ा सा वो रहता है, अजीब सा लगता है। कभी मैं इतने इनके इतने पास नहीं गया हूँ, तो इस तरफ से ज़्यादा अच्छा आएगा, उस तरफ से सन पड़ रहा था ना, वाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मैं इनके सामने एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, मज़ा आएगा भाई।
मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लक्ष्मा और गोमती से तुम्हें मिल गए, यहाँ पे कितने एलिफेंट हैं? अभी चार है। चार है ना, दो और गए हुए हैं बाहर। हाँ पवन परी भी है, वो तो बहुत पुरानी है, पांच साल पहले मिला था। दो बाहर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ बंदरों से बचना है ना? बंदर से नहीं, वो बचने से बचे थे अब लोग, आप हाथ हाथ में खाने पीने वाला का आइटम लेके चले गए तो फिर नहीं, हमारा सामान उसमें रखा ना, भी चेकिंग नहीं हुआ। क्या करते हैं लोग, पता है क्या है, ऑफर में हाथ में लेके ब्रेड ऑमलेट या, अब वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, बैग के अंदर वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है तो यहाँ पे रूम का दरवाजा खोल के मत रखिए। ये कमरा नया बना है ना? अच्छा मुझे आज दिखाई दिया है, उधर डॉर्मेट्री है और इस तरफ भाई ये बॉडी स्टैंड, बॉडी स्टैंड इधर, एलिफेंट माउंट बिल्कुल, थोड़ा सा उधर तक घूम के आ रहे हैं, थोड़ा सा हाथी पानी पिएंगे तो इनके साथ साथ चलते हैं। चलो टाइगर दिखाता है इस रोड पे। अरे वाह, तो भाई शेखावत भाई यहाँ रुके थे, ये तो एनएक्स ही है? हाँ, नहीं ये कैबिन है। अच्छा तो यहाँ पे टाइगर, तो यहाँ पे टाइगर आ जाता है भाई नॉर्मली, बहुत बार टाइगर आ जाता है। और मचान देखो कितनी प्यारी बनाई हुई है, हालांकि टूट गई है। ये बैक गेट है, ये बैक गेट है और इधर से टाइगर कभी कभी यहाँ से भी दिख जाता है, क्रॉस करता हूँ, वहीं तो खड़े थे ये पूरा। देखो कहाँ पे रहने को मिलेगा आपको, बिल्कुल टाइगर के बराबर में। कभी कभी टाइगर दिन में तो खैर नहीं आता है, पर रात को यहाँ से अंदर घुस जाता है। दिन में ही आ गया था? अच्छा ये बोल रहे दिन में ही 1:30 बजे आ गया था, सब इधर ही आ गए होंगे ये देखने, पूरे में कितनी तरह खबर फैल गई होगी। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है हाथी के साथ चलने में। एक बार बना, एक बार वो भी कर दे। हाँ दूरी है मुझे, हमें रिकॉर्ड तो करो, कर रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। तो भाई हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए इनसे दूर रहना, तो हम इसके पास नहीं जाएंगे, अगर इसके पास जाएंगे तो सोंड से मार देगी, सोंड से भी मार सकती है, चिंगाड़ के पास भी आ सकती है, तो थोड़ा सा दूर बने हुए हम। पर मजा आ रहा है हाथी के साथ वॉक करने में, वाह। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉर्बेट एंड ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ढिकाला। और यहाँ पे भी एक रूम है, दो तीन रूम यहाँ बने हुए हैं, और अभी ये पानी पीने जा रहे हैं होदी में, तो देखते हैं क्या पानी पीते हैं। मजा आ रहा है भाई इसके साथ वॉक करने में, क्या वॉक कर रही है, ऐसी वॉक करनी है। ठीक है तो अभी ये पानी पियेंगे आराम से, इनको पानी पीते हुए देखने में भी बहुत सुकून मिलता है। चलो उस तरफ से देखते हैं, वाओ दिस इज द ब्यूटी। लक्ष्मा और गोमती दोनों पानी पी रही हैं, बहुत देर से पानी पी रही हैं, और जब ये पानी पीती हैं अपने गले में पानी ले जाती है, एक अलग ही आवाज़ आती है, थ्रिलिंग सी आवाज़ आती है, वाह। सोचो इनका पेट कितना बड़ा है, कितना पानी आता है, कई ड्रम पानी चाहिए इनको, कई ड्रम। हाथी एक रात में एक पूरा पीपल का पेड़ खा जाता है, इनको एक पूरा पेड़ चाहिए। हालांकि यहाँ पे पेड़ नहीं खाते, यहाँ पे तो सब कुछ ही खाते हैं, घास वास सब कुछ। वाह क्या ब्यूटी है, क्या शांति है, बहुत बढ़िया नज़ारा है। और आप इनका डिसिप्लिन देखो, एक एक करके पानी पी रहे हैं, पहले देखो अब वो वेट कर रहा है, मतलब अब वो वेट कर रही है, पहले ये पूरा सूंड में भरेगी, फिर ये सूंड ऊपर ले जाएगी, फिर वो आएगी, ऐसा नहीं लड़ाई कर रहे हैं या फिर हट तू। ये देखो, ये देखो, ये चीज़ें देखने लायक होती हैं। अरे उसने सूंड ही नहीं निकाली, उसने एंड कर दिया कि और नहीं पी रही मैं। तो यहाँ पे दो महावत मिले हैं। तो आप तो जैसे यहाँ रहते हो, तो लास्ट टाइम कब टाइगर पास में आया था, सबसे पास? देखते हैं। नहीं रोज तो देखते हैं, अभी तो नहीं आया, कल रात तो नहीं आया होगा।
कल ये इधर घास लेने गए तो ये पार वाली दिखी है। अच्छा नहीं वो तो दिखी है, मैं कैंपस की बात कर रहा हूँ, आजकल नहीं है ना, रात को रोर वोर तो आ जाती होगी थोड़ी बहुत, आजकल है थोड़ा सा दूर है। चलो यहाँ पे भी फॉरेस्ट वाले काम कर रहे हैं, कितनी बढ़िया जगह बैठ के। ये क्या बना दिया इन्होंने मंदिर सा, और इधर भी नए रूम बनाए हैं ये शायद, या पहले थे, हाथी कितने सारे खड़े हैं उधर। यहाँ भी है कुछ, एक कॉलोनी सी है भाई ये जंगल के बीचों बीच, बहुत बढ़िया। ये भी एक बंगला है, पता नहीं किसका है, देख लेते हैं यहाँ से क्या व्यू आ रहा है।